नमस्कार आप सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई लोग, जितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल आगे आने वाला हफ्ता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट संडे का दिन है। भाई डबल हेडर मैच है और यहां पर दोनों ही मुकाबले भाई प्लेऑफ्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला मुकाबला चेन्नई बनाम राजस्थान, तो भाई दूसरे मुकाबले में आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स भिड़ते हुए नजर आएंगे। तो भाई ये आगे प्लेऑफ्स के दृष्टिकोण से ये दोनों ही मैचेस इंपॉर्टेंट है। आज हम कवर कर रहे हैं 61st मैच यानी कि चेन्नई बनाम राजस्थान। भाई राजस्थान तो ऑलरेडी दहलीज पार कर रही है, वहीं चेन्नई के लिए आगे आने वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिनाइयों भरा नजर आता है। तो ऐसे में इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा, क्या होगी वो राजस्थान या फिर सीएसके? दोनों टीम्स पहली दफे इस सीजन में आमने सामने होंगी। अब चेन्नई के लिए तो बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछला मुकाबला जो हुआ है उसमें उनके बॉलिंग अटैक ने जैसा लचर प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए सीएसके को अपने बॉलिंग अटैक में काफी हद तक काम करने की जरूरत है। और राजस्थान की जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है, चाहे वो रियान पराग हो, जॉस बटलर या फिर संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उसको देखकर लगता तो है कि कहीं ना कहीं अभी भी कहानी में दम है। कहानी जो है यहां से यू टर्न मार सकती है आईपीएल 2024 की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन्यू की, नजर डालेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर, बॉलर्स का प्रदर्शन कैसा है, कौन से हैं ऐसे खास खिलाड़ी जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, और साथ ही साथ भैया आईपीएल बोनांजा के सवाल भी हैं जिनका जवाब देकर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज, यानी कि स्टैट्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही साथ आईपीएल बोनांजा के सही जवाब देकर कैश प्राइज जीतने का भी सुनहरा मौका आपके पास है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और जवाब दें। शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। एमएस चिदंबरम स्टेडियम में अभी तक इस सीजन के 6 मुकाबले हुए, 2 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए और 4 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब एवरेज स्कोर 172 का है, 160 से 172 रन्स बनाए जा सकते हैं। हाईएस्ट स्कोर 206 सीएसके ने बनाया था और लोएस्ट स्कोर रहा है केकेआर का 137 रन्स। स्कोरिंग पैटर्न पे भी फटाफट से फोकस कर लेते हैं। भाई आरसीबी ने सीएसके, ये जितने भी स्टैट्स हैं ये मेरे फर्स्ट इनिंग के हैं, आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ 173 रन्स, सीएसके ने जीटी के खिलाफ 206 रन, फिर उसके बाद केकेआर ने 137। सीएसके ने लगातार भाई पिछले 3 जो मैचेस हैं पहले बल्लेबाजी करी है, लखनऊ के खिलाफ 210, हैदराबाद के खिलाफ 212 और पंजाब के खिलाफ 162 रन बनाए थे। तो ये तो हुआ स्कोरिंग पैटर्न। अब बढ़ते हैं भाई बॉलर्स के प्रदर्शन की ओर। टोटल 63 विकेट चटकाए गए हैं इन 6 मैचेस, 48 विकेट पेसर्स ने और 15 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। ये है पूरा लेखा जोखा वेन्यू का, जहां पहली चीज भाई सेकंड बैटिंग करते हुए जीत के आसार ज्यादा नजर आते हैं और अभी हाल फिलहाल जो स्टैट्स कहते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पेसर्स ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। हालांकि लास्ट जो एक आध मुकाबले हैं उसमें स्पिनर्स ने भी भैया जोर आजमाया है। तो ये है पूरा लेखा जोखा भाई हमारे वेन्यू का। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करते हैं। दोस्तों 29 मुकाबले सीएसके और आरआर के बीच खेले गए हैं, 15 मैचेस सीएसके ने और 14 मुकाबले भाई राजस्थान रॉयल्स के नाम रहे। लास्ट 5 मैचेस की बात करी जाए तो यहां पर पलड़ा जो है वो भारी है राजस्थान रॉयल्स का। सीएसके मात्र 1 मैच जीती है और 4 मुकाबले आरआर ने जीते हैं। अब यहां पर एक और फैक्चुअल बात निकल के आती है, भाई मुंबई और पंजाब दो ही ऐसी टीम है जिन्होंने लगातार 5 मैचेस हराया है सीएसके को और यहां पर आरआर भाई 4 मैचेस हरा चुके हैं। तो क्या आरआर बनेगी वो तीसरी टीम जो हराएगी सीएसके को लगातार 5वीं बार? ये एक बड़ा सवाल आ जाता है जिसका जवाब अब हम आगे टीम एनालिसिस में ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर जो है पॉइंट्स टेबल पर भी डाल लेते हैं क्योंकि यहां पर पॉइंट्स टेबल जो है ना वो काफी चुलबुली हरकत करती नजर आ रही है। सीएसके को आप देख सकते हैं भाई चौथे पायदान पे अभी बैठी हुई है, 12 में से 6 मुकाबले जीते हैं, 12 पॉइंट है, नेट रन रेट भी डिसेंट है। इनके नीचे है दिल्ली कैपिटल्स, माइनस में नेट रन रेट है, सेम सिमिलर पॉइंट्स हैं, लखनऊ के भी सिमिलर पॉइंट्स हैं 12। यहां पर आरसीबी अगर जोर आजमाइश करती है तो वो भी चौथे पायदान पर आ सकती है। उसके लिए भैया सीएसके को यह मुकाबला हारना होगा और आगे आने वाले मैच में भी हार का सामना करना, मतलब अगर आरसीबी को ऊपर जाना है तो उन्हें तो बड़े डिफरेंस से मैच जीतने ही है और साथ ही साथ सीएसके डीसी और एलएसजी को भी मुकाबले हारने होंगे। तो ये है पूरा लेखा जोखा अभी तक भाई जो क्वालिफाइंग सिनेरियो है उसका। अब इसी के साथ दोस्तों आईपीएल बोनांजा का पहला सवाल आ जाता है, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो बनेगा प्लेयर ऑफ द मैच? ये है आपके आईपीएल बोनांजा का पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं टीम्स की ओर और बात करते हैं भाई प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, दोनों टीम्स की। अगर हम बात करें चेन्नई की ओर से हमें देखने को मिल सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र को मौका मिला है लेकिन वो पहले ही 2 मैचेस हैं अगर आप देखोगे ना तो पहले ही 2 मुकाबले आरसीबी और जीटी, उसके अलावा रविंद्र ने कभी बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, रचिन रविंद्र की बात कर रहा हूं। तो उन्हें मौका तो जरूर मिला है बट क्या इस मौके को भुना पाते हैं यह देखना होगा। अब यहां पर एक और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है भैया अजिंक्य रहाणे, जिनसे ओपन कराया जा रहा है इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। मैंने सीएसके की टीम में अजिंक्य रहाणे को नहीं रखा है क्योंकि भाई वो होने भी नहीं चाहिए, तो अगर आप उन्हें बल्लेबाजी के लिए दे रहे हो तो और वो ओपन कर रहे हैं तो
भाई हर कोई सुनील नारायण तो बन नहीं सकता है। तो फिलहाल बैटिंग लाइनअप में टॉप ऑर्डर पे डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़, जो कि 12 मैचेस में 541 रन बना चुके हैं और ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड नंबर पे बैठे हुए हैं, जिसमें एक सेंचुरी और चार हाफ सेंचुरी शामिल है। अब इनके अलावा दोस्तों मिडिल ऑर्डर अगर आप एक बार फिर देखो तो डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, साथ ही साथ मिचेल सेंटमर को टीम में मौका मिला था पिछले मुकाबले में और एमएस धोनी मौजूद है, तो डीप बैटिंग लाइनअप तो टीम के पास है। दे हैव गॉट डेरिल मिचेल जो कि 11 मैचेस में 292 रन बना चुके हैं, जिनके बाद शिवम दुबे टीम में मौजूद है जिनके खाते में है 371 रन इन 12 मैचेस जिसमें तीन हाफ सेंचुरी शामिल है। हालांकि शिवम दुबे के पिछले जो दो तीन मैचेस में स्टैट्स रहे हैं वो कुछ अच्छे दर्शाते नहीं है। पंजाब के खिलाफ तो लगातार दोनों मैचेस में शून्य बनाए थे, जीटी के खिलाफ 21 रन बनाए हैं, उससे पहले इनका प्रदर्शन डिसेंट रहा है। तो भैया देखना होगा दिलचस्प कि क्या शिवम दुबे की ये जो छोटी सी परफॉर्मेंस में एक ब्रेक लगा है ये वापस से अपनी फॉर्म में आते हैं या नहीं। चलिए पूछ लेता हूं आईपीएल बुलेटिन का दूसरा सवाल, भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कौन सा बल्लेबाज मारेगा, चौके और छक्के कौन सा बल्लेबाज ज्यादा मारेगा, यह है आपके आईपीएल बोनांजा का दूसरा सवाल। अब बात करी जाए अगर बॉलर्स की तो रविंद्र जडेजा 12 मैचेस में 8 विकेट चटका चुके हैं, एज एन ऑलराउंडर इनके खाते में 220 रन भी हैं, और मेन बॉलर जो है इनका तुषार देशपांडे 11 मैचेस में 14 विकेट चटका चुके हैं। भाई मुस्तफिजुर रहमान है नहीं, उनकी कमी खल रही है, साथ ही साथ मतिचा पतराना की भी इंजरी चल रही है, महेश थीक्षणा का भी ऑप्शन भाई अवेलेबल ना के बराबर है, तो ओवरऑल बॉलिंग की हालात जो है सीएसके के वो थोड़े से भाई पेचीदा नजर आते हैं, जिसकी चलते आरआर इसका फायदा उठा सकती है। अब बात आई है आरआर की तो चलिए आरआर पर भी फोकस कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम में यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रोमन पॉवेल, शिमरन हिटमायर, ध्रुव जुरेल की टीम में वापसी हो सकती है। रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल और रियान पराग तो है ही, एज एन इंपैक्ट प्लेयर मैं इनको ले रहा हूं। ये हो सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो आपके समक्ष है आपके सामने। भाई लोग अब यहां पर इंपॉर्टेंट है इनका बैटिंग लाइनअप। टीम में सिर्फ दो तीन प्लेयर्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हो गए संजू सैमसन जिनके खाते में है 11 मैचेस में 471 रन्स विद 5 हाफ सेंचुरीज। रियान पराग ने 11 मैचेस में 436 रन्स बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 156। और फिर आते हैं जॉस बटलर जिन्होंने 338 रन बनाए जिसमें 2 सेंचुरी शामिल है। अब बटलर का प्रदर्शन यार मुझे उतना मजेदार लग नहीं रहा है, परेशानी यह है कि 338 रन्स में 2 सेंचुरी है, इसके अलावा इन्होंने 11 मैचेस में या कहें 10 मैचेस में किया क्या है, वो एक बड़ा सवाल आ जाता है। जो इनकंसिस्टेंसी है बटलर की वो इनके लिए भाई अभिशाप बन सकती है। और यहां पर यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन जो है वो डिसेंट रहा है। अगर हम पिछले एकाध मुकाबलों की बात करें तो जायसवाल ने एसआरएच के खिलाफ 67 और उससे पहले एमआई के खिलाफ 104 रन बनाए थे, तो ये दोनों ओपनर्स का प्रदर्शन जो है ये टीम के लिए कहीं ना कहीं काल ना बन जाए भाई। अब यहां पर राजस्थान की जीत में इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी का हाथ होना चाहिए। वहीं अगर बात करी जाए बॉलिंग की तो भाई युजवेंद्र चहल तो टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं विद 14 विकेट्स। आवेश खान का प्रदर्शन अच्छा रहा है भाई, काफी सराहनीय रहा है, इस बार 11 मैचेस में 11 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर संदीप शर्मा ने भाई 6 मैचेस में 10 विकेट चटकाए हैं। ये हैं तीन गेंदबाज जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट भी टीम में शामिल है जिनका प्रदर्शन डिसेंट रहा है, और साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन ने भी भाई लास्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो डीसी के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे। तो ओवरऑल टीम का जो बॉलिंग अटैक है दैट इज डूइंग वेल, बैटिंग लाइनअप डिसेंट प्रदर्शन कर रहा है, बॉलिंग अटैक काफी ज्यादा अच्छा है, तो ओवरऑल अगर आप देखो तो भाई पड़ रहा तो राजस्थान रॉयल्स का भारी है। भैया वीडियो का अंत करने से पहले आईपीएल बोनांजा का तीसरा सवाल आपके समक्ष दाग देता हूं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। भाई सबसे ज्यादा, इस बार पूछ रहा हूं, सबसे ज्यादा महंगा बॉलर कौन होगा, यानी कि किस गेंदबाज की सबसे ज्यादा इकोनॉमी होगी, ये है आपके आईपीएल बोनांजा का भाई तीसरा सवाल। अब यहां पर आ जाती है आईपीएल बोनांजा की स्क्रिप्ट। अब अगर थोड़ी सी और मसालेदार स्क्रिप्ट बनाई जाए तो हो सकता है चेन्नई ये मुकाबला हार जाए। आखिरी मैच जो आरसीबी का है उसके खिलाफ फिर चेन्नई का नॉकआउट मैच होगा और शायद वो मुकाबला जीत जाए तो एक बड़ी पिक्चर बन के आए, तो ये कहीं ना कहीं एक भाई हो सकता है, उम्मीद है कि ऐसा भी कुछ हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगाता हूं लगाम, क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आप तक मैं प्रोवाइड करता रहूंगा, तो उसके लिए सीएलजी को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।